विरमलમનું સ્વાગત છે। વાયબ્રન્ટ ગ્લોબલ સમિટની તૈયારીઓ ગાંધીનગરમાં થઈ રહી છે। સીએમની અધ્યક્ષતામાં પ્રી વાયબ્રન્ટ સમિટ નિકાસ ક્ષેત્ર દેશને અગ્રેસર બનાવવા સમિટનું આયોજન। શક્તિ કન્વેન્શન સેન્ટર પર પ્રી વાયબ્રન્ટ સમિટ। દેશ અને રાજ્યમાં ઉદ્યોગકારો સમિટમાં હાજર। નિકાસ ક્ષેત્રે $1 મિલિયન યુએસ ડોલર અર્થવ્યવસ્થાને દિશા આપતો કાર્યક્રમ। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले अमदावाद मुंबई हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा करी अधिकारियों साथे बैठक योजी। बैठक में नेशनल हाईस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ना मैनेजिंग डायरेक्टर सहित उच्च अधिकारी उपस्थित रहा। गुजरात में 352 किलोमीटर माटे 98% जमीन संपादन कार्य पूर्ण थई गयु छे, जयारे 343 किलोमीटर में सीविल वर्क प्रगति में छे। अमदावाद में मुंबई हाईस्पीड रेल ने लईने नवसारी में प्रोजेक्ट प्रथम गाइडर नु निर्माण कार्य पण थई गयु छे। राजकोट में विद्यार्थी संक्रमित तथा तंत्र सजाग बन्यु छे। शिक्षण विभाग और आरटीओ ने कलेक्टरे तपास माटे आदेश कर दीधा छे। त्यारे राजकोट की विविध शालाओं में चेकिंग माटे डीयूए 6 टीम बनावी छे, जे टीमों द्वारा राजकोट की शालाओं में कोविड नियमों नुं पालन थाय छे के नहीं ते अंगे तपास शुरू करी छे। तो बीजी तरफ वधु विद्यार्थी बेसाडती 10 स्कूल वाहन ने अटकावीने आरटीओए कार्यवाही हाथ धरी छे। राजकोट में विद्यार्थियों में कोरोना केस वधता तकेदारी करवामां आवी छे। स्वनिर्भर स्कूल संचालक मंडल की ताकीदनी बैठक राजकोट जिला की स्कूल में कोविड केर कमिटी की रचना कराई छे। स्कूल संचालकों आचार्य सहित कमिटी में रहेशे। वर्ग शिक्षक स्पोर्ट्स एड मॉनिटर वालीओ करशे निरीक्षण। तबीबो पण स्कूलों में निरीक्षण माटे जशे। कोरोना केसों वधता वाली मंडल की स्कूलों बंद करवानी मांग छे। तो अमदावाद में स्कूलों में कोरोना केसों आता शिक्षण विभाग सतर्क थयुं छे। शिक्षण विभागे तमाम स्कूलों ने आपी जे सूचना, शिक्षकों ने रसीना बे डोज लेवाई जाए ते सुनिश्चित करवू। कोई बाळक में रोगना चिन्हों जोवाय तो तात्कालिक जाण करवी। आरोग्य केन्द्र अने डीईओ ने तात्कालिक जाण करवी। शिक्षण विभागे वालीओ ने पण सूचना आपी छे। बाळकों में लक्षण देखाय तो स्कूले न मोकलवा सूचना अपाई छे। स्कूलोए ऑफलाइन साथे फरजियात ऑनलाइन शिक्षण राखवू पड़शे। सूरत में जे कॉलेज संपूर्ण वेक्सिनेटेड थशे तेने रोकड़ इनाम आपवानी जाहेरात म्युनिसिपल कमिश्नर बंछानिधि पानीए करी छे। जे अनुसार जे कॉलेज सौथी प्रथम संपूर्ण वेक्सिनेटेड थशे तेने 1,00,000 रोकड़ इनाम आपवामां आवशे। बीजा क्रमे आवनार कॉलेज ने 75,000 रूपया अने त्रीजा क्रमे आवनार कॉलेज ने 50,000 रूपयानु रोकड़ इनाम अपाशे। जिल्लामां रसीकरण वेग पकड़े ते माटे अनोखा इनामनी जाहेरात करी छे। जे कॉलेजों छे कॉलेजों में पण जे 18 वर्षथी उपरना वयना लोको छे बाळको छे ए लोकोने फुल्ली वेक्सिनेटेड थाय फुल्ली वेक्सिनेटेड कैम्पस थाय एटले एने आवडथी आपणे विचारीए छे के एमनुं पण सन्मान करवामां आवे। ए प्रमाणे जे पहला वेक्सिनेटेड कैम्पस थाय सेकेंड वेक्सिनेटेड कैम्पस थाय थर्ड वेक्सिनेटेड कैम्पस थाय एने आवडथी सन्मानित करवामां आवशे। ओमिक्रोन की दहशत गुजरात में जोवा मळी रही है। ओमिक्रोन ने अत्यार सुधी में 15 केस नोंधाया है। 24 कलाक में राज्य में ओमिक्रोन ना 8 केस है जे नोंधाया है। अमदावाद में ओमिक्रोन ना 2 केस। दंपत्ति ओमिक्रोन पॉजिटिव है। तांजानिया थी आवेलु दंपत्ति ओमिक्रोन पॉजिटिव है। गांधीनगर सूरत राजकोट आणंद महेसाणा में 1-1 केस है। सूरत अमदावाद ओमिक्रोन में 2-2 केस है, जयरे गांधीनगर में 15 वर्षीय किशोर ओमिक्रोन पॉजिटिव है। देश में ओमिक्रोन ना कुल केसों की संख्या 155 थी है, जेमा दिल्ली में 22 महाराष्ट्र में 54 ओमिक्रोन ना केस है। अमदावाद में तैयारी करवामां आवी रही है। अमदावाद में ओमिक्रोन सामे खानगी हॉस्पिटलों पण एक्शन प्लान साथ तैयार है। 70 हॉस्पिटल में 2500 बेड कोरोना दर्दियों माटे आरक्षित रखाया है। पहली और बीजी लहर में पण 180 हॉस्पिटलों में 15,000 करता वधु दर्दियों ने सारवार आपवामां आवी हती। त्रीजी लहर ओमिक्रोन अंगे खानगी हॉस्पिटलों की तैयारी है। नवी गाइडलाइन जाहिर थशे। आज राज्य सरकार कोरोना की नवी गाइडलाइन जाहिर करी शके छे। आज पूर्ण थई रह्युं छे नाइट कर्फ्यू और अन्य नियंत्रणों की मुदत। हाल महानगर में रात्रि 1 थी सवार 5 सुधी है रात्रि कर्फ्यू। क्रिसमस 31st पर नजीक है, जेने ध्यान लईने लदाई शके छे नियंत्रण। वायब्रंट समिट ने लईने पण आज बैठक में निर्णय लेवाय तेवी शक्यता। शालाओं अंगे पण निर्णय लेवाय तेवी शक्यता। सूरत में ओमिक्रोन ना केस वधता तंत्र हरकत में आव्यु छे। डेप्यूटी हेल्थ कमिश्नर नी तमाम जोन ना डॉक्टर साथे बैठक थई छे। आवनार दिवसों में सावचेती जरूरी, आरोग्य अधिकारी आ वात करी छे। बेदरकारी राखनार सामे कड़क कार्यवाही थशे। सूरत महानगरपालिका में कोविड पॉजिटिव दर्दी संख्या में एक स्थिरता जोवा मळी रही छे, पण साथे साथे
હાલમાં બે ઓમિક્રોન પોઝિટિવ કન્ફર્મ કેસીસ અને એક શંકાસ્પદ દર્દીઓ નોંધાઈ રહ્યા છે. તેવા સંજોગોમાં એરપોર્ટ ખાતે આવનારા તમામે તમામ પ્રવાસીઓના ટેસ્ટિંગ માટેની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવા માટે તેમજ તેઓ તમામે ક્વોરન્ટાઇન થાય તે માટેની વ્યવસ્થા સુદૃઢ કરવામાં આવી છે. ડિજિટલ એપના માધ્યમથી તમામે તમામનું મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે અને સાથે સાથે કોર્પોરેશનની ટીમ દ્વારા પણ આ બાબતે મોનિટરિંગ હાથ ધરવામાં આવી છે.